आयुर्वेद का जो संपूर्ण विज्ञान है, इस विज्ञान के अंदर हमने बात करी सुगंध के विषय में। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुगंधित द्रव्यों को धारण के साथ साथ में कहा आभूषण और मणि आदि का धारण करना, ये भी एक आयुर्वेद की हमारी खासियत है कि, और इसीलिए आज भारतवर्ष में जितना ज़्यादा सोना लोगों के घरों में है, कितना भी गरीब से गरीब हो उसके घरों में भी सोने से निर्मित कोई ना कोई छोटी या बड़ी चीज़ जरूर मिलेगी। क्या आप जानते हैं ऐसा विदेशों में नहीं है? ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे ऋषियों ने हमारे लिए विधान किया कि आभूषण धारण करने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, प्रसन्नता बढ़ती है। सही बात है, पर आज हम उसके लिए आभूषण के लिए किसके लिए बने हुए आभूषण, उन्होंने कहा कि मणि हो, माणिक्य हो, कांचन हो, यानी सोना हो, चांदी हो, इस तरह के विविध तरह के जो आपने देखा होगा नग नगीने, इनकी परंपरा, ये भारतवर्ष की परंपरा है। इसीलिए उसी परंपरा में ही तो इस देश के अंदर इस तरह के अद्भुत अद्भुत हीरे सोने चांदी का विधान, ये भारतवर्ष की ही विशेषता रही है। और आभूषण धारण करने से शरीर की सुंदरता के साथ साथ में ये बहुत सारे तरह के रोगों को दूर करने वाले भी होते हैं। अब ये जो आभूषण है ना, आप कहेंगे कि जी आभूषण का और रोग का क्या संबंध? सच में संबंध है। यदि आप सोने को धारण करते हैं तो सोने का जो स्पर्श है ना, शरीर के साथ स्पर्श होने मात्र से ही बहुत तरह के जो बैक्टीरियल या वायरल डिजीज हैं या कई सारे जो स्किनगत त्वचागत विकृतियां हैं उसको दूर करती हैं। मैं एक मोटी सी बात कहता हूं, जब आप केमिकल लगा लेते हैं अपने बालों को डाई करने के लिए, वो केमिकल सारा शरीर को स्किन रोगों से ग्रसित कर देता है, विविध तरह के विकारों को ला देता है। आप यदि सोने का धारण करते हैं कानों में, क्या वो रोगों को नहीं दूर कर सकता है? इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, सच में ही वो काम कर रहा होता है। हाँ, पर हम ऐसा ना सोचें कि हमने यदि सोना धारण कर लिया तो फिर एकदम सारे रोगों से मुक्त हो गए। नहीं मेरे भाई, ये सहयोगी है, ये बाकी चीज़ों के साथ साथ में यदि इसको भी आप करते हैं तो ये आपको सहयोग प्रदान करेगा। इसी तरह से जो विविध तरह की अंगूठियां लोग धारण करते हैं, विविध तरह की सुंदर सुंदर मालाएं धारण करते हैं, यह भी कहा कि चेहरे की चमक के लिए, मंगल के लिए, आयु के लिए। जब शास्त्र में कहा कि मंगल को देने वाला है, ये मंगल क्या होता है? मंगल होता है कल्याण, कल्याण को देने वाला है, तो हमने कहा कि ये तो बहुत ही अद्भुत है। फिर मंगल के फेर में हम ग्रहों के चक्कर में पड़ गए कि बोला हमने उन नग नगिनों को भी ग्रहों से जोड़ लिया, वो अदृश्य शक्तियों के साथ जोड़ लिया। ये तो दृश्य शक्ति के से ही जुड़ा हुआ है मेरे भाई। आपके शरीर की प्रकृति और आपके शरीर की प्रवृत्ति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हाँ, इतना तो हो सकता है पित्त प्रकृति के लिए अलग चीज़ें लाभकारी हो सकती हैं, कफ वालों के लिए अलग हो सकता है, वायु के लिए अलग हो सकता है, वातपित्त कफ दोषों के द्वारा उन जो हमारे आभूषण हैं, हमारे जो ये नग नगीने हैं, इनका तो प्रभाव हो सकता है। पर इन प्रभाव के अलावा आप अदृश्य शक्तियों के प्रभाव के फेर में पड़ गए कि ये धारण कर रहे तो तेरा मंगल ठीक हो जाएगा, इससे ये शुक्र कंट्रोल हो जाएगा, इससे शनि राहु केतु जो है इससे सर्वे ग्रह शांतिर भवन्तु, ये सारे ग्रह शांति इससे नहीं, ग्रहों से ठीक है। ग्रहों का प्रभाव भी दोषों के वो जड़ हैं। हमेशा एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ग्रहों का प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है, पर ग्रह मनुष्य को चाह करके सुख दुख नहीं दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रह का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, जिस तरह की आपकी शरीर की प्रकृति है उसके अनुसार उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे जीवन में भी बहुत सारे पदार्थ हैं हमारे लिए अनुकूल होते हैं, हमारे लिए प्रतिकूल होते हैं, बहुत सारे दृश्य हमारे लिए अनुकूल होते हैं, हमारे लिए प्रतिकूल होते हैं। इसका अर्थ आप क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये मेरे लिए, ये मेरे को पत्थर बहुत सुंदर लगता है, तो सुंदर आपको लगा, वो पत्थर तो जैसा वैसा ही है। इसी तरह से आपने कहा कि ये जो ये वृक्ष हैं, ये लताएं हैं,
मुझको बहुत सुंदर लगती हैं, वृक्ष और लताएं तो जैसी वैसी हैं, दूसरा आगे कहेगा क्या पागल बनती है, इसमें क्या सुंदरता है। यानी एक ही वृक्ष है, एक ही लता है, एक ही वनस्पति है, एक ही पदार्थ है, पर वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह से जो विविध तरह के जो ग्रह हैं उनका जो प्रभाव है वो तो निरंतर एक ही तरह के प्रभाव को प्रवाहित कर रहे हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी मनुष्य विशेष के लिए वो ना खुश है ना नाराज है। ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं ये ग्रह नाराज हो गया इसको खुश करना ये मूर्खता है, क्षमा करिएगा। मैं ज्योतिष का विरोधी नहीं हूँ, मैं ज्योतिष का अत्यंत विनम्र भक्त हूँ, मैं उसका उपासक हूँ। ज्योतिष के विषय में जितना हमने चर्चा की है, हमने बहुत चर्चाएं की है, मैं बहुत विद्वान तो नहीं हूँ पर ज्योतिष का उपासक हूँ। इसीलिए जो ज्योतिष विधा को जानने वाले विद्वान लोग हैं उनसे क्षमापूर्वक मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रभाव है वो प्रभाव ग्रह का नहीं है, प्रभाव तो मनुष्य का है कि हमारे शरीर की जो प्रकृति है, हमारे शरीर का जो बनावट है उस हिसाब से हम झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते हैं। भाई एक पहलवान है वो आधा किलो घी पी जाएगा, एक कमजोर है वो एक चम्मच से भी 10 छेरे लग जाएंगे। तो ग्रह तो वैसे ही है, वो निरंतर अपने प्रभाव से प्रभावित कर रहे हैं मनुष्य को, मनुष्य जीवन को। हमें कह दें कि तेरा जो अभी शुक्र का प्रभाव है उसको खत्म करके मैं शनि लगा दूंगा, शनि को लगा करके मंगल को चढ़ा दूंगा, ये चढ़ाने उतारने वाला काम भाई ये गणित ज्योतिष का कहीं पर भी इसका योगदान नहीं है। इसीलिए ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, ग्रहों का प्रभाव जिस तरह से पड़ता है हमारी प्रकृति के अनुसार प्रभाव पड़ता है न, जब प्रकृति के अनुसार ग्रह का प्रभाव पड़ता है तो फिर हम प्रकृति को कैसे बदल सकते हैं, बच सकते हैं या प्रकृति को इतना मजबूत बना सकते हैं। यानी कि ग्रहों के प्रभाव से बचना हो तो अपने को मजबूत बनाना है, न कि ग्रहों को इसको उठाया इसको धरा, इसको चढ़ाया इसको उतारा। बस इतनी ही बात मैं समझाना चाहता हूं, संभवतः आपको ये बात समझ में जरूर आई होगी। तो इन आभूषणों के अलावा जैसे मैंने कहा ना कि जितने भी हीरा पन्ना गोमेद माणिक्य मणिक जितने भी चीज़ें हैं इन सब का बहुत आयुर्वेद में इनके लाभों का वर्णन है। इस वर्णन को हम समझें तो ऐसा ना सोच लें कि आपने जो है कोई ये जरूर फर्क पड़ता है कि जैसे आपने कोई नग धारण कर लिया तो उसके आधार पर आपका डाइजेशन सिस्टम है, आपकी नींद है, आपकी प्रवृत्तियां हैं, इसमें फ़र्क तो करती हैं चीज़ें, तो वो आपके शरीर के प्रकृति के अनुसार फ़र्क करती हैं। यदि हम उसको ग्रहों के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो भी आप ये मानिए कि ग्रह आपको हानि नहीं पहुंचाते हैं, ग्रह आपको यदि आप सही ढंग से अपने शरीर के अनुसार यदि चीज़ों को समझ लेंगे तो लाभ ही पहुँचाएंगे। इतनी ही बात थी। और इसके अलावा जो आयुर्वेद के अंदर विविध तरह के औषधियों का धारण करने का भी विधान है, जैसे हमारे यहाँ आपने देखा होगा वैष्णव परंपरा में लोग क्या करते हैं, वो तुलसी की माला का धारण करते हैं, या हमारे सन्यासी परंपरा में रुद्राक्ष की माला का धारण करते हैं, ये भी आयुर्वेद की ही परंपरा है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि जैसे टीका आदि का जो धारण करते हैं सुंदरता के लिए, हम अलग अलग तरह के टीका लगाते हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाते हैं। फिर वो इसी बात पे मुझे याद आया, दक्षिण भारत में आपने देखा होगा हर व्यक्ति प्रातःकाल वो खाली जैसे कहते हैं ना माथे में नहीं घूमता है, उसको मस्तिष्क सुना रहना, यानी मस्तिष्क में कोई टीका नहीं लगा होना वहाँ अशुभ माना जाता है। हालांकि उत्तर भारत में थोड़ा बहुत फैशन है, कोई लगा लेता है कोई नहीं लगा लेता है, टीका लगा ले तो पंडित जी, नहीं लगाए तो श्याणे बाबू जी, तो इस तरह की परंपरा नहीं है। जो हम जो धारण करते हैं, अक्षत धारण करते हैं, टीका धारण करते हैं, ये मस्तिष्क में यदि हम कुछ भी लगाते हैं वह भी आयुर्वेद की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण माना गया है। उसको टीका लगाने के लिए भी किस द्रव्य का आप प्रयोग करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे आप कुमकुम है, हल्दी है, चंदन है, ऐसी प्राकृतिक द्रव्यों को टीका के रूप में लगाने के लिए विधान किया गया है। इससे क्या होता है, इससे कहा कि शरीर को टॉक्सिक होने से, शरीर के विजातीय तत्व को बढ़ने से ये रोकते हैं, ऐसा कहा गया। इतना ही नहीं और कहा कि इनसे जो बाहर के जो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने में ये मदद करती हैं, तो ये सहयोग तो करता है। कई बार हमको जब एकदम दिखाई नहीं देता कि बोला मैंने तो बहुत टीका लगा के घूम लिया, मुझे तो कोई शक्ति रुकता हुआ दिखता नहीं, नहीं मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कई बार कई चीज़ें हैं जो हमको महसूस नहीं होती हैं। हमको महसूस ना होने का अर्थ यह नहीं है कि वो चीज़ होती ही होती है, या ऐसा भी नहीं है हमको कोई चीज़ बहुत महसूस होती है तो वो उतनी है। कई बार छोटी सी बात भी बहुत दिल को लगती है,
कई बार बड़ी बड़ी बातें होती हैं तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कई बार छोटी सी चीज़ भी हमारे लिए बहुत हितकारी लाभकारी हो सकती है, कई बार छोटी सी बात भी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो मैं यही निवेदन कर रहा था कि इसी तरह से जो कंठी आदि का धारण है, हमारे वैष्णव परंपरा में तुलसी के माला धारण करते हैं, उससे तुलसी से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उससे सुंदरता तो बढ़ती है, अच्छा लगता है, सात्विकता झलकती है, दूसरे को भी लगता है कि ये थोड़ा सा संत महात्मा टाइप व्यक्ति होगा, थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ा होगा। उसके साथ साथ में वो उसको यदि आप आध्यात्मिक नहीं हैं तो भी फैशन में ही सही, जब आप विविध तरह के कृत्रिम और केमिकल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी को धारण करके घूमते हो, तो मेरे भाई रुद्राक्ष और तुलसी कोई बुरी चीज़ है क्या? उसको पहन लो ना, वो फैशन में ही सही, उससे तो कुछ लाभ भी होगा। लाभ ये होता है जैसे मैंने कहा कि नकारात्मक और जो आसुरी जो शक्तियाँ हैं उससे आपकी रक्षा करती है, इसके अलावा जो रोग से भी आपको बचाता है। तुलसी जो है ऊर्ध्व यत्रुगत रोगों के लिए, सर्दी जुकाम नजला कफ खांसी बलगम बैक्टीरिया वायरल इन सब रोगों से आपकी रक्षा करता है। इसी तरह से जो आप रुद्राक्ष धारण करते हैं गले के लिए, हृदय के लिए, सात्विकता के लिए, पवित्रता के लिए, वो अद्भुत है। तो इसीलिए हमारी जो परंपरा में आभूषण का धारण करना, रत्न का धारण करना, और ये इसके अतिरिक्त भी जैसे आपने सुना होगा आजकल टच थेरेपी हीलिंग थेरेपी इसकी बात होती है, ये बड़ी विचित्र कहानी है। हीलिंग और टच थेरेपी यही तो है, हीलिंग करती वो आपके शरीर को हील करती है, डिटॉक्सिक करती है। टच थेरेपी यदि उन धारण करते हैं तो वो मालाएँ वो आभूषण वो जो है वो हमेशा आपके शरीर से स्पर्श वो हमेशा आपके शरीर के साथ टच रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा तुलसी के माला को ये पर मालाओं को अंदर धारण करने का विधान है, यानी कि आप शरीर से सीधे त्वचा से उसका एक स्पर्श होता रहे इस तरह से धारण करने का विधान है। तो ये आयुर्वेद की विधा थी, और आयुर्वेद में इसीलिए सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं चिकित्सा के लिए भी धातुओं का मणियों का रत्नों का बहुत विशद बहुत ही वर्णन है, बहुत ही प्रयोग की बात की गई है। पर ध्यान रखिएगा जो आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं जो पदार्थ हैं उनके लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन नहीं है। आज हमारी ज़िंदगी भी नकली हो गई है, पदार्थ भी नकली हो गए हैं, इसलिए हमको नकली खाना पड़ता है, नकली पहनना पड़ता है, नकली ही बन करके रहना पड़ता है। इससे कहीं सुख नहीं मिलेगा, इससे कोई आनंद नहीं आएगा। हाँ, क्षणिक सुख हो सकता है, एक क्षण के लिए थोड़ी सी देर का सुख पर ज़्यादा दुख। तो इसकी जगह पर थोड़ा सा देर हमको थोड़ा सा अपने मन को मनाइए पर जीवन के असीम और आनंद को सुख को पाइए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो धातुएं होती हैं ना, इस धातु के अंदर बहुत उपचार करने की जो उपचारात्मक जो शक्ति है ना, विशेष शक्ति होती है, और विशेष शक्ति होने की वजह से धातुओं को जैसे सोना को तो मधुर द्रव्य के अंदर भी गिना गया है, और अभी तो एलोपैथिक चिकित्सा में भी स्वर्ण है, जिंक है या सिल्वर है, अभी जो नैनो टेक्नोलॉजी है नैनो कंपाउंड के अंदर सिल्वर को और गोल्ड को सर्वोत्तम माना गया है, जिंक अभी औषधि में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, जितने भी जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीज हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो हमारे शरीर में तो पहले से ही आयुर्वेद में तो उपचार के लिए हमारे मिनरल्स हैं, हमारे मेटल्स हैं, चाहे धातुएं हों चाहे खनिज हों, इनका प्राचीन काल से ही तो विधान किया गया था, क्योंकि ये हमारे मन और शरीर के सामान्य कार्यों पर भी बहुत प्रभाव डालते हैं। शरीर में जो नकारात्मक जो ऊर्जा है उसको बचाने के लिए भी इन आभूषणों का रत्नों का मणियों का बहुत ही बहुत ज़्यादा महत्व है। चाहे आप अंगूठी से लेकर के माला से लेकर के और हाथों से बांधने वाली कलाई से लेकर के और आपकी कानों में पड़े हुए जो जितने भी जो अलग अलग तरह के आभूषण हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, तो ये जब आपके शरीर से स्पर्श करते हैं, त्वचा से जब स्पर्श होता है ना, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो दिखाते हैं। ये अभी रिसर्च हो चुका है, यानी विद्युत जो चुंबकीय प्रभाव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इफेक्ट है वह इसमें हमारे शरीर के जो सेल्स हैं इन कोशिकाओं पर या ऊतकों पर जो उपचारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी कि उससे हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक और ये उपचारात्मक इसका प्रभाव होता ही होता है। तो आपने ज़रूर समझा होगा कि किस तरह से ज़रूरी है
इन वस्त्रों के साथ साथ हमें आभूषणों का धारण करना, आभूषण मात्र फैशन नहीं है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, दूसरे तो देख लें अच्छा लगे, यानी कि आप आभूषण धारण कर रहे हैं, बने हुए हों, ठीक से बनाए गए हों तो देखने में अच्छा लगेगा, उससे आपकी शरीर की शोभा बढ़ेगी, पर शरीर के स्वभाव को बढ़ाना ही आभूषण का प्रयोजन नहीं है। आपने ये जाना होगा, है ना, कितनी अद्भुत बात, कितनी विशेषताएं थी, कितनी विशेष बात है, हम इसको समझें और आभूषण को भी अपने स्वास्थ्य के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य को प्रदान करने वाला हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, इस तरह से हम आभूषणों का धारण करें। निश्चित रूप से ये हमारी परंपरा दक्षिण में, चाहे वो हम सुबह सुबह नियमित रूप से चंदन लगाते हैं, या ये चंदन लगाना, टीका लगाना सिर्फ पंडित जी का ठेका नहीं है कि पंडित जी ने ठेका लगा रखा है या ठेका ले रखा है कि सुबह टीका लगा लें तो पंडित जी को लगे कि हाँ मैं पंडित हो गया, और आपको लगे कि टीका तो पंडित ही लगाते हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक के लिए ज़रूरी है। दुर्भाग्य कहूँगा इस देश की, हमारी इस इतनी उर्वरा और इतनी समृद्धशाली संस्कृति की माटी में भी दूसरे धर्मावलंबी जो हैं वो उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, वो धर्म से जोड़ते हैं। ठीक है, इस बात को हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इन सारी परंपराओं को, इन विधाओं को धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि कम से कम लोग धर्म भीरुता के कारण से, धर्म से डर के कारण से ही सही इनको धारण तो कर लें, इसीलिए धर्म से जोड़ दिया गया। पर मेरे भाई, ये धर्म से पहले ये शरीर के लिए जरूरी है, धर्म भी तो शरीर को, मन को प्रसन्न रखने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए तो है। धर्म कोई भीरुता का विषय नहीं है, धर्म कोई हेय या त्याज्य विषय नहीं है, धर्म कोई जीवन को अवनति के लिए, अवनति का कारण नहीं है। धर्म तो हमें यह लौकिक और पारलौकिक आनंद को प्राप्त कराने वाला है, धर्म तो हमें जीवन को सुख और आनंद देने वाला कारण है। डर करके नहीं, धर्म से मत डरो, या चिन्हों से, प्रतीकों से मत डरिए। ये चिन्ह और प्रतीक लगाएंगे, आप शिखा रखोगे, आप सूत्र रखोगे, आप चंदन का धारण करोगे कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे नहीं, आप कैसे रहेंगे, हमको ये सोचना चाहिए जिंदगी में हम क्या चाहते हैं। उसके लिए आप जब अथक प्रयास करते हैं, थोड़ी सी जीवन की रोजी रोटी के लिए, किसी तरह से हमारा जीवन चल जाए, किसी तरह से हमको भोजन, वस्त्र और मकान मिले, इसके लिए आप कितना परिश्रम करते हैं, कितनी जान लगाते हैं, करना भी चाहिए, ज़रूरी है। पर मैं कहता हूँ, थोड़ा सा टीका लगाने से थोड़ी सी शांति मिल जाए, थोड़ा सा यदि अवसाद से बचा ले तो गोली खाने से तो अच्छा ही है ना। यदि थोड़ा सा आपने माला धारण कर लिया, आपको थोड़ी सी संतुष्टि आ जाए तो अच्छा ही तो है ना। तो इन छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं, या तो आप बड़ी समस्याओं से ग्रसित होने के लिए सोचो, या छोटी छोटी बातों से उनसे मुक्त होने का, आनंद में रहने के रास्तों को तलाशो। तो जब हमारे पास वो रास्ते हैं तो हम क्यों ना तलाशें, वो जब वो रास्ते हैं तो क्यों ना हम जीवन में उतारें। मुझे लगता है कि आज के बाद आपने जाना होगा कि वस्त्र और ये आभूषण, ये सुगंध लेप, ये चंदन, ये इत्र सिर्फ फैशन की वस्तु नहीं है। ये या तो दो ही चीज़ें में हैं, आदमी आज दोनों चीज़ों का धारण कर रहा था, या तो वो फैशन के चक्कर में है, या तो वो अपने आप को आध्यात्मिक दिखाने के फेर में है। न तो ये सिर्फ आध्यात्मिकता का विषय है, न ये फैशन का विषय है, ये समझ लीजिए, न ये आध्यात्मिकता ही है, न फैशन है, यह तो जीवन का विषय है। ये जीवन के लिए ज़रूरी है, तो जीवन के लिए ज़रूरी है, जब आप जीवन की आवश्यकता के हिसाब से करेंगे तो वह हमारी सात्विकता को बढ़ाएगा, इसलिए वह आध्यात्मिक माना जाएगा, और सुंदरता को बढ़ाएगा तो फैशन तो अपने आप हो जाएगा। तो इसके साथ में कहा कि बाद में क्या करें, उसके बाद में जैसे आपने सुबह सब कुछ कर लिया, स्नान कर लिया, वस्त्र धारण कर लिया, सब तरह के आपने आभूषण धारण कर लिए, फिर आपने थोड़ा सा कोई जो है नाश्ता वगैरह भी कर लिया सुबह, नाश्ते के विषय में, भोजन के विषय में हम बृहद और विशद चर्चा करने वाले हैं। अब नाश्ता वगैरह करने के बाद में कहा कि सुगंधित पदार्थों को भी जरूर चबाना चाहिए, कि नाश्ता करने के बाद में, जैसे गुजरात में आज परंपरा है जिसको हम मुखवास कहते हैं, आप कुछ भी खा लो जरूर एक डिबिया होती है, उसमें धनिया है, विविध तरह के दूसरे कुछ खट्टे मीठे चरपरे कसैले, इन द्रव्यों का मुखवास करा जाता है, ये आयुर्वेद की परंपरा है। यदि आप जाएंगे थोड़ा पूरब तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ सुपारी और वहाँ पर इलायची, पान, ये सब तम चबाते हैं, पर मुख्य सुगंध के फेर में हम तंबाकू के चक्कर में भी पड़ गए, तो तंबाकू तो हानिकारक है। तो अच्छा स्वाद बनाने के लिए
जायफल है, सुपारी है, छोटी इलायची है, लौंग है, पान के पत्ते है या कपूर का सत आदि थोड़ा सा आप चबा सकते हैं। ये नशा के लिए नहीं। पान खाना भी कहे तो मैं तो पान भी नहीं खाता। अरे भाई, पान खाना दोष नहीं है, पर पान के चक्कर में जब हम दूसरे नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम गुटखा खाने लग जाते हैं, सुपारी भी हानिकारक है, सुपारी को कम लेना चाहिए। पान के पत्ता हानिकारक नहीं है, इलायची ठीक है। तो इस तरह से हम ये ध्यान रखें। और मैंने तो देखा नॉर्थ ईस्ट में हम लोग वहाँ पर जब प्रचार के लिए, हम लोग जब वहाँ सेवा के लिए, योग के लिए, आयुर्वेद के लिए जब घूम रहे थे, आज से ये मैं 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब हमको ये तो वहाँ तो घर घर में पान तंबूल जो है पूरा लगा होता है, हर घर में पान का पत्ता और सुपारी रहता ही है और खाते भी हैं, चबाते रहते हैं। तो हुआ क्या कि हमको कहा कि बोले सुपारी जो है वो किसी ने कहा कि ये वाला खा कर देखो। हमने वैसे ही सुपारी का टुकड़ा डाला, इतना टुकड़ा डाला होगा भयानक चक्कर आने लगा, क्योंकि हमारी कोई आदत में इस तरह की प्रवृत्ति नहीं, किसी तरह से नशीली चीज़ नहीं खाई। हमने कहा ये क्या हो गया। बोले जी, सुपारी को गोबर के नीचे या धरती के नीचे ऐसे गाड़ करके सड़ा दिया जाता है कच्चे को, उसके बाद में जब उसको निकालते हैं वो इतनी नशीली हो जाती है कि वो भयानक नशा करती है। तो ये हमने जो लाभकारी पदार्थों को भी नशीले बना दिया, लाभकारी चीज़ों को भी कई बार हमने नशे के चक्कर में बर्बाद कर दिया। तो हालांकि सुपारी ज़्यादा खाना हानिकारक है, पर पान वगैरह का आप सेवन कर सकते हैं, इससे मुख के रोग भी दूर होंगे, उसके बाद मुख का स्वाद बना रहेगा, मुख में खुशबू आएगी। और इससे अच्छा है कि जो नशीले कैंसर पैदा करने जैसे गुटखा, पान मसाला, ये खतरनाक चीज़ों से हमको बचना चाहिए। और मैं तो गुटखा वालों से हमेशा निवेदन करता हूँ, भाई तुम अपने ज़िंदगी के लिए तो ठीक है, तुम्हारे अपने परिवार भरण पोषण के लिए तो आपको संपत्ति मिल जाए, धन मिल जाएगा, पर उस धन का क्या जो हम जब लाखों लाखों परिवार को रोगग्रस्त कर करके उनको संकट में डाल करके, तो ऐसा भी ये भी आगे आएगा कि किस तरह से हमको धन का अर्जन करना चाहिए, ये भी आयुर्वेद में लिखा है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखिए कि नाश्ता आदि के बाद में या भोजन के बाद में भी यह पान मसाला आदि, गुटखा आदि तो कभी नहीं खाना चाहिए, परंतु सुगंधित द्रव्यों का चबाना, इलायची, लौंग, दालचीनी, ये सबको आप रख सकते हैं, या मुखवास है अलग अलग तरह के बने हुए, इनको आप रख सकते हैं, इनको प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने शरीर को सुंदर बना सकते हैं, शरीर को सजा सकते हैं, शरीर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि वह अच्छे जो हमारे आभूषण हैं उनका धारण कर सकते हैं। धारण करने के साथ साथ में हमको इस तरह के पदार्थों का सेवन चाहिए करना चाहिए, जिससे मुख से सुगंध आए और जीवन में आनंद की अनुभूति हो, यानी माथे पर सुगंधित तिलक हो और शरीर में सुगंधित इत्र आदि का प्रयोग हो, सुंदर वस्त्र हो, मुख में से सुगंध झर रहा हो, तो क्या आनंद आएगा, क्या दूसरे लोग ऐसे ही प्रभावित होंगे, पर आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी। इतनी चीज़ों को करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। तो इसी क्रम में अभी तो हमने आपको सुगंधित द्रव्यों का पान कराया है, अभी तो मेरे भाई सुगंधित पान करने के बाद में, नाश्ता करने के बाद में तो घर से बाहर निकलना है, निकलोगे तो जूते चप्पल पहनोगे। तो अब हम चर्चा करेंगे जूते चप्पल कैसे पहने और किस तरह से हम घर से बाहर निकलें।